हेलो दोस्तों, आप हैं गुड लिविंग चैनल पे और आज मैं आपको आर्ट एंड क्राफ्ट के एक आइटम के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि खाली डब्बों से हम आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि ये मैंने बना रखा है, आइसक्रीम स्टिक्स आराम से आपको मार्केट में मिल जाएंगी, किसी भी ये बच्चों की बुक शॉप वगैरह पे, या जो एक कप ग्लास वगैरह रखते हैं। ये देखिए, मैंने पहले से ही जो बना के रखे हुए थे, मेरे पास रखे थे, मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे आप भी क्ले वर्क मैंने आपको सिखा रखा है, जैसे मैंने इस पे क्ले वर्क किया हुआ है। ये थोड़ा सा बड़ा डब्बा था, जितनी स्टिक आई आई, फिर मैंने ऊपर से इसको इस तरह से अपने क्ले आर्ट से और पेपर वर्क से डेकोरेट कर दिया। पहले इस पे ये हैंडमेड पेपर चिपकाया, फिर इस पे आर्ट वर्क कर दिया। और ये जैसे घेवर आया घर में, और मिठाई तो आई होगी ना रक्षाबंधन पे, उसका डब्बा फेंके नहीं और इस तरह से अपने घर में डेकोरेशन के लिए यूज़ कर लें। तो इस तरह से आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें रखने की और वो दिखाई भी नहीं देंगी। और इस तरह से मैंने डाइनिंग टेबल पे यहीं बैठी हूँ मैं, जो जो मेरे पास रखा था मैं दिखा रही हूँ। ये भी मैंने आइसक्रीम स्टिक से ही बना के यूज़ किया हुआ है, क्ले वर्क किया हुआ है इस पे। तो इस तरह से आप भी इस तरह से जो भी आपका पैकिंग का सामान आए उसको फेंक के ना, और अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में या गार्डनिंग में या किसी और पर्पज़ से देखें कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम भी आपके सामने अब कुछ बना के दिखाते हैं। तो ये सब आपने देख लिया कि आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ हुई हूँ, या डेकोरेशन के लिए आपके पास जो भी घर में सामान रखा हो तो आप उसको यूज़ करें। तो इस तरह से मेरे पास फ़िलहाल तो अभी ये 2 बॉटल के डब्बे पड़े हुए थे, मैं बच्चों के लिए बॉटल लेके आई थी, इसमें बॉटल आई थी, बॉटल तो यूज़ आ गई। अब ये डब्बे तो हम आमतौर पर फेंक ही देते हैं, तो आपने किसी भी पैकिंग के डब्बे को ऐसे फेंकना नहीं है और देखना है कि इसको हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं। तो इससे अब हम देखते हैं क्या बनाते हैं, क्या बन सकता है। तो इससे मैं कुछ भी होल्डर बना लेती हूँ, तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें सामान चाहिएगा, ये स्टिक्स चाहिएंगी, आप कोई भी स्टिक ले लें या कुल्फी वाली ले लें, उससे भी बन सकती हैं, लेकिन मेरे पास ये अभी कम पड़ी हुई है। मार्केट जाऊंगी तब और ले आऊंगी, क्योंकि मैंने इससे कुछ बनाया था तो ये कम रह गई थी। मैंने कहा अभी बनाऊं, कभी कम रह जाएं दिखाने में भी। और ये आइसक्रीम वाली ठीक थी, और इसके लिए सनफ्लावर किट के कलर और ये फेविकोल आपका, और क्ले का वर्क अगर आपने, मैंने एक वीडियो में सिखा रखा है वो करना है आपने इसके ऊपर, तो ये शिल्पकार की क्ले है आपकी, आपने करना है तो ये कर लेना। अभी फिलहाल मेरे पास ये डेकोरेशन का जो भी आपके घर में सामान पड़ा हो या मार्केट से थोड़ा बहुत ले आए, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, ये चीज़ें पड़ी रहती हैं, वो होमवर्क वगैरह करते रहते हैं अपने प्रोजेक्ट, ये स्टिकर्स वगैरह बच्चों के ही है सारे, मैं कुछ भी नहीं लेके आई बाहर से। टेप वगैरह जो ये अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं छोटे बच्चे, ड्राइंग व्राइंग करते रहते हैं। एक सीज़र चाहिए, और ये आप सारा सामान देख लें। वैसे मेन तो इसमें ये आइसक्रीम स्टिक, फेविकोल और ये कलर ही चाहिए आपको, और आप अपनी मर्जी से जो मर्जी यूज़ कर लें। ये मार्बल्स हैं, आप चाहें तो इनमें मार्बल्स की भी फेविकोल लगा लगा के डेकोरेशन कर सकते हैं। मेरे पास अभी ये पड़ा हुआ था डाइनिंग टेबल पे, लेकिन मैं इस पे नहीं लगाऊंगी इसको, मैं एक पोट पे इसके डेकोरेशन करूंगी, जब वो बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। अभी फ़िलहाल ये डब्बे, ये रक्षाबंधन के थे जो गिफ्ट आए थे, तो मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। ये ब्रश चाहिए आपको, इसके लिए थोड़ा सा पानी ले लें डिप करने के लिए। और इस तरह से डेकोरेशन के बच्चों का सामान पड़ा हुआ था जो उन्होंने यूज़ किया किया और अपना रख दिया उठा के। ये जो भी आपने इस पे फिर आगे डेकोरेट करना हो, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके घर तो मिल ही जाएंगी ये चीज़ें, जिनके घर नहीं है कभी मार्केट जाएं तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें अपना ला के रख लें, जैसे पेंट तो हमेशा ही रखें अपने पास, और ये स्टिक्स वगैरह जब भी मार्केट जाएं थोड़ा थोड़ा सामान ले आएं। और ये एक ऐसे कार्डबोर्ड, क्योंकि जब इसका बेस हम बनाएंगे तो उसको हम थोड़ा सा और हैवी करेंगे ताकि ये और ज़्यादा हैवी हो जाए। इस तरह से कार्डबोर्ड का टुकड़ा आपने इसके नीचे चिपकाना है ताकि हम कोई भी सामान रखें इसके अंदर वो निकले ना, और इसका बेस भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। तो आपने क्या करना है, एक स्टिक को ऐसे इस पे रख के नाप लेना है, ऐसे नाप के ये पूरा पूरा जाएगा, इस तरह से आपने निशान लगाना है हल्का सा ऐसे। हम अभी मेरे पास पेन नहीं पड़ा, नाइफ से थोड़ा सा निशान लगा लेती हूँ। स्केटियर पता नहीं, वो सॉरी कटर पता नहीं बच्चों ने कहाँ रखा है, मेरे को तो मिला नहीं, अभी आने के बाद स्कूल से पूछूंगी। लेकिन आपने इसको ऊपर से नहीं काटना है स्टिक से, ताकि आपकी स्टिक के नीचे से पेपर दिखाई ना दे, तो आपने स्टिक के थोड़ा सा नीचे से इसको रख के ऐसे काटना है। और इस तरह से आपने एक स्टिक के निशान मार के ऐसे जैसे
निशान मैंने लगा लिया था नाइफ से कि कितना काटना है, स्टिक से थोड़ा नीचे काटना है, और इस तरह से आपने डब्बा अपना काट लेना है। जैसे मैं काट रही हूँ, स्टिक रख के काटेंगे तो सीधा कटेगा, वरना कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ऐसे एक स्केलिंग सी भी हो जाएगी आपकी। और इस तरह से ये दो डब्बे आपके पास बन गए हैं, ऊपर का नीचे का, एक बड़ा डब्बा एक छोटा डब्बा। मैं अभी छोटे पे आपको करके दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी से, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा घर में, ताकि आप कोई भी अपनी पैकिंग ना फेंकें। और इस तरह से ये जो रफ सा हुआ है थोड़ा सा ये हटा दें अपना नाइफ से, मुझे स्केटियर मिला नहीं, यही थोड़ा तेज सा चाकू था मेरे पास, इससे काम चलाऊंगा। तो इस तरह से आपने अपनी सारी स्टिक्स ऐसे कुछ इतना जल्दी बनेगा ये, और आपके पास इतना सुंदर आर्ट का सामान तैयार हो जाएगा, आप देखना। मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें फटाफट बनाती रहती हूँ, टीवी देखती हूँ तब बना लेती हूँ, खाली बैठी हूँ तब बना लेती हूँ, सारा दिन टीवी भी नहीं देखा जाता, सोया भी नहीं जाता, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हमारी पैकिंग की आती हैं, इस पर आपने ऐसे सारे में ये फेविकोल लगा लेना है, और इन पे बस ये स्टिक चिपका देनी है। एक काम तो आपका ये हो गया, और कुल्फी वाली स्टिक है जो आपका लंबा वाला डब्बा बचा है, कुल्फी वाली स्टिक उस पर काम आ जाएंगी। वो मैं थोड़ी सी और स्टिक मंगा के फिर उसको भी तैयार कर दूंगी। अभी आप इस पे सीख लो, ऐसे आपको भी एक और आइडिया मिल गया। और बाजार भी ना जाओ तो कुल्फी जो बेचने वाले आते हैं उससे ले लो, या उसको बोल दो मेरे लिए ले आए एक पैकेट जहाँ से तू ये लाता है, ये तिल्ले से ले आएगा वो। तो इस तरह से आपने अपनी सारी स्टिक धीरे धीरे करके इस पे चिपका देनी है। कोई भी लकड़ी जैसे खराब हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, वो नहीं लेनी, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगेगा देखने में। एक आधी लकड़ी जैसे ये स्टिक जो है खराब भी मिलती है, थोड़ी सी टूटी हुई सी खराब सी, वो हटा देनी है। तो इस तरह से मैंने सारी स्टिक चिपका ली है, अब इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं। ऐसे ग्लू से आपने ये अपनी सारी चिपका लेनी है, थोड़ा सा दबा दबा के इसको सुखा देना है। और ये जो नीचे का पोर्शन इसका लाइट रह गया है, ऊपर का तो हो गया हैवी, अब इस पे भी हम एक कार्डबोर्ड काट के और इसके नीचे बेस में चिपका देंगे। अभी जैसे टुकड़ा मैंने इसके साइज का काट लिया था, ऐसे आप भी कोई चीज ना फेंको, देखो आपके गार्डनिंग में कहाँ यूज होगा, आपके किचन में यूज होगा। कई बार छोटी छोटी सी पैकिंग आ जाती है खाने के सामान के साथ भी, वो भी कभी डॉगी आ गया उसको दूध पिलाना हुआ उसमें वो डाल के दे दिया। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से फैला लेना है फेविकोल को, है ना। तो कोई भी चीज फेंके ना, एक अपना बड़ा सा बॉक्स बना ले, उसमें डिस्कार्डेड चीजें रख दें, कभी भी आपको इस तरह की काम में लेनी हो, जैसे कभी मेड को कुछ देना हुआ, कोई सब्जी वगैरह बची हुई हो, वो जो पैकिंग के छोटे छोटे डब्बे आते हैं खाने के उसमें डाल के दे दें, फेंके ना, पर कुछ भी देख लें आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं गार्डनिंग में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, या किसी को कुछ देने में। और ये जो बड़ा वाला डब्बा है, ये देखो जैसे बड़ा बच गया ना, अब ये मेरे पास स्टिक थोड़ी कम है, तो इनको भी मैं देखो ऐसे करके इन पे चिपका दूंगी फेविकोल लगा के, जैसे मैंने ये सिखाया ना ये स्टिक, इस पे भी ऐसे फेविकोल लगा के सारे में फटाफट ये चिपका देना। और ये स्टिक थोड़ी सी लंबी ही रहनी चाहिए, जैसे हमने वाली स्टिक थोड़ी लंबी रखी ना, तो नेचुरली लंबी है, काटने की भी जरूरत नहीं है। अगर काटना हो तो आपके पास गार्डनिंग का जो स्केटियर है उससे काट दो, उससे बड़ी आराम से कट जाता है, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा कटता है ये, कटर वगैरह से इतना जल्दी नहीं कटता, मैंने बना रखा है ना पहले, तो मैं बता रही हूँ स्केटियर से ही काटा था मैंने पहले इसको। और इस तरह से ये पूरा 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 गया है देखो। तो इस तरह से बहुत सारे डब्बे होंगे आपके पास भी, जैसे ठंडाई आती है हमारी, या कोई भी पैकिंग का सामान आ गया, वो ऐसे गत्ते के डिब्बे आते हैं जो भी हैवी हैवी। और अब इसमें हम कलर कर लेंगे अपना, एक होल्डर बन गया, इसमें हम अपना जो मर्जी रखें, अभी बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। चाहे आप इसमें डेकोरेशन की चीज़ें रखो, आपके घर में बच्चे नहीं है तो फूल वगैरह लगा दो, और छोटे बच्चे हैं तो उनको अपना गिफ्ट कर दो, इतने वो स्कूल से आएंगे खुश हो जाएंगे कि मम्मा ने एक चीज़ बनाई हमारे लिए। और हमारा जो हमने चीज़ फेंकनी थी, जो डब्बा फेंकना था और किसी काम में वो आ नहीं सकता था, तो हमारा वो भी यूज़ हो जाएगा। अब इस तरह से मेरे पास ब्लैक कलर का नहीं था होल्डर, इसमें मैंने और भी बहुत सारे तैयार किए हुए हैं, तो ब्लैक ही करती हूँ, ब्लैक पे स्टिकर लगाऊंगी ना तो ज़्यादा सुंदर लगेंगे, अलग से निकल के आएंगे। तो आप अपने सोच से आप जो मर्जी करें, आपको एक आइडिया देना था मुझे कि आप अपने डब्बों का ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्लूकोज के डब्बे थे, मैंने उनमें सीजनल प्लांट्स लगा दिए, अब जितने दिन चलेंगे चलेंगे, सीजनल तो वैसे भी 3-4 महीने ही चलेंगे, इतने हमारे ग्लूकोज के डब्बों में वो लगे रहेंगे, और जब वो प्लांट फैलेगा तो ये डब्बे दिखेंगे भी नहीं, है ना, फूल ही फूल नजर आएंगे। इसलिए आपको बाहर से गमले लाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जैसी जो भी पैकिंग आई आपने उसका यूज कर लिया। तो ये देखिए, वो कुल्फी की स्टिक मैं आपको बता रही थी ना कहाँ यूज हुई थी मेरी, देखो ये यूज की थी मैंने, तो मेरे पास कम पड़ गई थी,
ये मैंने खुद ही बनाया था कुल्फी की स्टिक से। मेरे पास एक फ्रेम पड़ा हुआ था खाली, ये थर्माकोल की पैकिंग, जो हमारी पैकिंग में कोई चीज लिपट के नहीं आती, उसकी मैंने पत्तियां काट ली। और ये पिस्ता जो हम खाते हैं घर में, उसके छिलके जो बचते हैं ना, वो मैं एक डब्बे में इकट्ठे कर लेती हूँ। देखो उससे कितने सुंदर फूल बन गए पिस्ते से। तो इस तरह से मैंने एक फ्रेम बना लिया इसका। और इस तरह से ये आप भी अपनी इमेजिनेशन से कोई भी चीज़ ना फेंकें, उसको देखें हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और देखिए क्ले वर्क से मैंने डंडियाँ बना दी थी उसकी। तो मैं ऐसे छोटे छोटे काम घर में जो भी चीज़ बचती है मैं करती रहती हूँ। किचन के खाली डब्बे हो गए, ढक्कन वगैरह टूट जाता है, या आपको पसंद नहीं आता, पुराना हो गया, उसमें अपना आप कोई प्लांट लगा दें, हैंग कर दें उसको। साइड से मैंने बताई रखा है, छेद करके उसमें पेचकस गर्म करके और उसमें रस्सी डाल के टांग दें, और उसमें प्लांट जब लगेगा वो सुंदर लगेगा और आपको फेंकना भी नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको यही लगा के दिखा रही हूँ, लेकिन आप अपनी मर्जी से जो मर्जी इस पर डेकोरेट करें। मेरे पास ये डेकोरेटिव टेप है, ये बच्चों के सामान में से लेके आई हूँ मैं, अभी यही सामान पड़ा हुआ था। मैंने कहा इससे आपको एक आइडिया दे दूँ, क्योंकि ये रक्षाबंधन पे बहुत सारी पैकिंग आई हुई होंगी और बहुत सारे डब्बे इकट्ठे हुए होंगे। जैसे मैंने पहले दिखाया वो घेवर का डब्बा था, उस पर मैंने स्टिक लगा के एक चीज़ बना दी, उसमें अब आप जो मर्जी सामान रखो, आपका सामान दिखेगा भी नहीं ऐसे घर में फैला हुआ, और एक आर्ट पीस भी आपके घर में हो जाएगा। और उस बड़े से डब्बे में कितना सारा सामान आ जाएगा आपका रखने के लिए, बच्चों की टेबलेट होगी, दवाइयाँ होंगी खांसी वगैरह की, आपका अपना पर्सनल छोटे छोटे जो भी सामान होंगे वो होंगे, बच्चों के कलर पेंसिल वेंसिल इकट्ठे करके रख दिए। तो इस तरह से मैंने इस पर डेकोरेटिव टेप लगा दी। आपके पास जो भी चीज़ हो, कई बार किसी को स्टिचिंग का शौक है, लेस बच जाती है, वो फेविकोल से चिपका दो। और ये बच्चों के स्टिकर बचे हुए थे, मैं इस पर चिपका देती हूँ, आएंगे तो मैं कह दूँगी इनमें अपनी पेंसिल वेंसिल रख लें। मैंने तुम्हारे लिए होल्डर तैयार कर दिया, और आपको एक आइडिया मिल गया कि आपने कैसे इन डब्बों का यूज़ करना है। अब ऊपर वाला भाग भी देखो आप यूज़ कर लेंगे, नीचे वाला भी, हो गया सारा डब्बा तैयार। और ये जो हम प्रोडक्ट लेते हैं उसमें इसकी कॉस्ट भी जुड़ी होती है इसकी पैकिंग की, तो हम इसे क्यों फेंकें? जब तक हमारे यूज़ में आ सकता है हम इसे यूज़ में लेंगे। और ये ऐसी थोड़ी बनती है ये चीज़ें, ये कार्डबोर्ड वाली भी आप इतनी देखना कितनी मतलब मेहनत होती है इनके बनने में भी, कितने मशीनों का यूज़, रॉ मटेरियल जो आता है, तो हम इन्हें क्यों फेंकें फिर? अगर हमारे काम में आ सकती हैं तो आप भी ऐसे डेकोरेटिव चीज़ें अपने घर में बनाएं और अपने घर को सुंदर सुंदर बनाएं। ऑलमोस्ट यहाँ जितनी भी चीज़ें पड़ी होंगी मेरे हाथ की बनी हुई होंगी। तो इस तरह से आपने पेंट कर लेना है, आपके पास जो भी डेकोरेशन का सामान हो लगा दें, जैसे वो सीपियाँ पड़ी हुई थी, ये बच्चों के सामान की तितलियाँ वितलियाँ, जो मर्जी लगाएं। लेकिन मुझे स्माइली अच्छे लग रहे थे, मैं इस पर इसलिए यही मैंने ब्लैक कलर किया ही इसलिए था इस पर, ताकि ये स्माइली इस पर ना अलग से दिखेंगे और अच्छे लगेंगे। जैसे कईयों पे स्टिकिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, तो आप फेविकोल लगा के चिपका दें इसको। कोई भी, चाहे वो कोई भी सितारा हो या कोई भी आपके पास डेकोरेटिव आइटम हो, चिपक ना रहा हो तो ऐसे फेविकोल लगा के चिपका दें। और ये कलर इतने फास्ट है, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इनको चिपकाने में, इनको लगाने में सूखने का कोई वेट नहीं होगा, फटाफट साथ के साथ सूखते जाएंगे कलर जो मैंने आपको बताए हैं सनफ्लावर किट के। और ये लो जी हमारा एक सुंदर सा अपने हाथ का बना हुआ, उस खाली डब्बे को जो हमने फेंकना ही था वेस्ट वेस्ट समझ के, और ये हमारा डेकोरेटिव साइड पीस तैयार हो गया। और ये देखो घेवर आता है रक्षाबंधन पे, घर पे घेवर के डब्बे से मैंने ये तैयार किया था, तो मुझे लगा आपको भी बताना चाहिए। एक छोटा सा डब्बा लिया मैंने, आपको सिखा दिया, अब आप भी ऐसे ही करें और ऐसे ही डेकोरेटिव पीसेस बनाएं। तो इसी उम्मीद के साथ आप ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें अपने घर में बनाते रहोगे, डेकोरेट करते रहोगे। थैंक यू वेरी मच।